100 करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई जांच का आदेश जारी होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज इस्तीफा दे दिया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। आदेश आने के 2 घंटे बाद देशमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ बैठक की और उसके बाद गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ नया लॉ नहीं दिया, उसी लॉ को आधार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल किया कि ऐसे केस में अगर लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो जनता का न्याय व्यवस्था से फेयर एंड पार्शियल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन से विश्वास उठ जाएगा, तो जनता का न्याय व्यवस्था पे विश्वास कायम रहे, इसलिए ओनली सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट दैट। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 100 करोड़ वसूली मामले को असाधारण बताया। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, अनिल देशमुख पर आरोप गंभीर हैं, पुलिस जांच जरूरी है। अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं, जांच पुलिस नहीं कर सकती। प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जरूरत है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन में शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सीबीआई की टीम कल मुंबई पहुंचकर मामले की जांच शुरू करेगी। वहीं इस्तीफे के बाद अनिल देशमुख दिल्ली रवाना हो गए। संभावना है कि अनिल देशमुख बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। देशमुख के बाद एनसीपी के दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बनाए गए हैं। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी इस्तीफे की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार खुद अपने बोझ से गिर जाएगी। ये महाराष्ट्र की इज्जत के साथ, महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और इसलिए मुझे लगता है इस पर जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, 100 करोड़ की वसूली में अभी और चेहरे सामने आएंगे। सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी तो एनआईए बताएगी, लेकिन उसकी परत दर परत रोज खुल रही है और कोर्ट ने स्वयं पाया है कि मामला गंभीर है, गृह मंत्री इन्वॉल्व है, फेयर प्रोब मुंबई पुलिस के द्वारा नहीं संभव है। वहीं एनसीपी ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान किया है, लेकिन अघाड़ी सरकार को गिराने का बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं, लेकिन न्यायालय का आदेश है, उसका सम्मान होना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है और स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं पद पर रहना नहीं चाहता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में घायल जवानों से रायपुर के अस्पताल में मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ मौजूदा लड़ाई को सरकार आखिरी अंजाम तक पहुंचाएगी। उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व त्यागा है, बलिदान दिया है, उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। भारत सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा रखना, आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर शनिवार को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हो गए और 31 घायल हुए हैं। इस घटना के बाद से गायब सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह की तलाश जारी है। राकेश्वर के परिवार ने सरकार से उनकी रिहाई के लिए उचित कार्रवाई की मांग की है। सरकार उनसे बातचीत करे, क्या चाहते हैं वो, क्या नहीं चाहते। अगर वो जवान देश के लिए, तब देश भी उसके लिए होना चाहिए। अगर वो जवान सीआरपी के लिए है, वो सीआरपीएफ के लिए लड़ने गया, तो देश भी उसके लिए लड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा बलों के साथ मिलकर हालात का जायजा ले रहे थे, वहीं वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुरक्षा बलों के प्लानिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल ने एक ट्वीट में लिखा, अगर इंटेलिजेंस फेल नहीं था तो एक के बदले एक मौत कैसे? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन खराब तैयारी से किया, इसका मतलब प्लानिंग खराब की गई थी। हमारे जवान तोपों का चारा नहीं, जिन्हें शहीद होने भेज दें। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की शहादत पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात का है कि आप ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे कमेंट से उनके मोराल पर असर पड़ता है। बाकी आप अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट पे सवाल उठाना, आप पॉलिटिकल जुगलबंदी करें आपस में, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पश्चिम बंगाल और असम समेत देश के 5 राज्यों की 475 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल और असम में कल तीसरे चरण में 31 और 40 सीटों पर वोटिंग होगी।
तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु के 234 सीट, केरल की 140 सीट और पुदुचेरी की 30 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। आज से बंगाल में चौथे चरण के लिए भी प्रचार अभियान तेज हो गया। ममता बनर्जी ने आरामबाग समेत कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। ममता ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री भगवान हैं जो चुनाव के नतीजे उन्हें पहले से पता हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टॉलीगंज में रोड शो किया। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने ममता बनर्जी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता का मूड जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है। जनता की आवाज तो सामने, इसके लिए महामानव होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भगवान होने की जरूरत नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.